तब के जिस तरह के उनके कवच होते थे वो सब। कहाँ जाना है तो उसके लिए आपको राजा की रिश्तेदार बनना पड़ेगा। कहते हैं कि किसी नई जगह पे आओ तो बिना एक्सप्लोर करे नहीं जाना चाहिए। सो अभी मैं आया हूँ यहाँ उदयपुर, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करने के लिए क्या है यहाँ पे आप देखना चाहते हो, क्या है यहाँ पे, ये देखो ये है। ये है उदयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये जो लोकेशन है ये है, ये वाली इसका नाम है ताज पैलेस, नहीं सॉरी सिटी पैलेस। और ये आसपास सारे घाट है। सो वहाँ चलने से पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल है, होप आप सब बढ़िया होंगे बहुत बुरी तरह। सो अभी निकलते हैं उदयपुर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा सा उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे। दो जगह हैं जो मेरे को देखनी है, उसके अलावा मुझे ऐसा सच कोई इंटरेस्टिंग जगह नहीं लगी है। एक जो है कुंभलगढ़, वो मैंने जाना चाहता हूँ लेकिन वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। सो अभी चलते हैं। अभी हम किन के साथ जा रहे हैं, ये हमारे भाई हैं जिनके साथ हम जा रहे हैं, ये आए हैं महाराष्ट्र से। आपका नाम क्या है? हाय, डॉक्टर अभय। डॉक्टर अभय? या ओ डॉक्टर, वाह। किस चीज के? मैं मेडिसिन हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, एमडी मेडिसिन हार्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो चलते हैं फटाफट से, चलिए। अभी मैं आया हूँ जगदीश टेम्पल, एक बार एंट्री करते हैं उसके बाद आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं जगदीश टेम्पल कैसा है। फोटो खींचना मना है, ओके बाय। के लिए जो मेरे टूरिस्ट गाइड है ना वो ये है, तो कसम से बता रहा हूँ एक एक चीज पता है, आने से पहले सारा एक्सप्लोर करके आए हैं। मेरे को जब इन्होंने बातें बताई ना, मैंने तब तक पता नहीं गया था कि कहाँ रहते हैं, तो मैंने पूछा आप यहीं रहते हो, कह रहे नहीं मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। सो कसम से बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, सारा इनको पता है कौन सा टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है। सो यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे कलाकारी देखो कि आर्ट कितने तरीके से बनाई हुई है, ये सब मार्बल के ऊपर है। और उस टाइम पे ये कलाकारी तो सोचो, आजकल तो मशीनों से हो जाता है, आजकल तो मशीन से हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे तो मशीन से नहीं होता था। हर एक आर्ट के लिए अलग अलग मूर्तियाँ रखी हैं। चलो था जगदीश टेम्पल, कल मैं यहाँ से आया था और यहाँ से ये जगदीश टेम्पल है और हम चले गए थे यहाँ पे, ये हमारे होटल का रूट है और आगे सिटी पैलेस है। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ और सिटी पैलेस लेके चलते हैं आपको। वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर हमारे गाइड ने बताया। सिटी पैलेस में एंटर करने की ये टिकट है। अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, ये देखो 300 रुपये और ये स्टूडेंट आईडी पे मिलता है। इफ यू हैव स्टूडेंट आईडी सो प्लीज ब्रिंग इट, सो यू हैव। सच बताओ किसी को स्टूडेंट लगते हैं ये? नहीं लगते ना, तो समझ जाओ ना बट यहाँ पे है देखो, ये डिफरेंस है यहाँ पे। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब आ रहे हो ना, तो आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 100 रुपीज की टिकट है, और अगर आप स्टूडेंट ऑफ ग्रुप में हो तो भी 100 की है। डिफेंस में, आर्मी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी 200 की है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो मेरी तरह तो आपकी 300 की है, तो भुगतना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं सिटी पैलेस, एंटर करते हैं अब। वर्थ इट है? हाँ वर्थ इट है। मैंने फोटोज देखी कुछ, तभी मैंने डिसाइड किया कि जाऊँ या ना जाऊँ, तो मुझे सही लगी। सो चलते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस, ये बेसिकली एक, यहाँ पे फेमस क्या है सिटी पैलेस, किस लिए? सिटी पैलेस जो है यहाँ का राजा रजवाड़ो का पहले निवास था, पहले उनकी जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ के जो राजा उदय सिंह हैं
उन्होंने सोचा यहाँ पे झील है पिछोला लेक, वो जो पहले विलेज हुआ करता था, तो वहाँ पे जस्ट पीने का पानी और सब के लिए फिर उन्होंने क्या कि यहाँ पे प्रबंध किया जाए। फिर बाद में देखा कि प्लेस बहुत अमेज है क्योंकि प्रोटेक्शन वाइज भी पानी है, आउटसाइड में अरौली पर्वत है, सो उन्होंने यहाँ पे एक पैलेस बनाने का सोचा। अच्छा। तो पैलेस 3-4 हिस्सों में बना है, उसको बनाने में 400 साल लग गए। ओह ग्रेट। सो ये उनका रेसिडेंस एरिया है। फिर अभी हम तीन या ये टोटल 5 मंजिल आना है, 4 मंजिल आना है। सो और यहाँ का हम सिर्फ 3 पार्ट ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी जो जो 2 पार्ट जो है तो वो अभी हेरिटेज विलास और एक पार्ट में खुद रॉयल फैमिली। अच्छा। सो अभी ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मोती चौक, राइट, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, कब से कब तक की हिस्ट्री है। तो मैं एक काम करूँगा, एक फास्ट फॉरवर्ड में बना दूँगा तो आप एक बार देख लेना। सो यहाँ पे है मर्दाना महल, जो एक और महल है, और वहाँ से एग्ज़िट है। इसका एक पार्ट और है जो पब्लिक के लिए नहीं है, जहाँ पे जो ये फैमिली थी यहाँ की वो अब रहती है। तो वो एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, वो यहाँ पे इन्होंने मैप में भी नहीं दिखाया हुआ है। ये इसका मैप लगा हुआ है, इन्होंने मैप में भी नहीं दिखाया। बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए वो पब्लिक से हटाया हुआ है, राइट। बिल्कुल सही है ये बात। तो एक बार देखो फटाफट से, मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कि क्या है। ये है 1937 से शुरू होता है, तो कब तक चला ये सारे राजाओं के नाम लिखे हैं और नीचे तब की फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, राइट। तो ये आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, इवन ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे एक साथ नहीं मिलेगी, आपको अलग 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 मिलेंगी, तो वो आपको सारी कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये एक यहाँ पे पता लग गया। अब चलते हैं यहाँ, ये है मोती मर्दाना महल, ये लिखा हुआ। अब क्या है अंदर जाके देखते हैं, मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है मेन इनके, लेट्स गो। सो ये थी मर्दाना जो बना हुआ है, मर्दाना पैलेस। सो ये है, यहाँ पे अलग अलग जो राजाओं के थे उनके बारे में है। यहाँ से एंट्री है, उन्होंने कहा कि पहले ये साइड विजिट करो, राइट। चलो ओके, यहाँ से एंट्री ओके, ये घूमते हुए वहाँ से बाहर निकलेगी। ये हल्दी घाटी गैलरी, ओके, गैलरी बनाई हुई है। सो ये तब के जिस तरह के उनके कवच होते थे वो सब के बारे में है, लड़ने से पहले जो उनके कवच यूज किए जाते थे। तो एक ये और हैं, इनका नाम था महाराजा चतुर सिंह जी, ये लिखा। सो बेसिकली इनका क्या स्पेशलिटी थी कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो क्लोथ्स होते हैं उनमें रहते थे, राजा वाली भोज उसमें नहीं रहते थे। और यहाँ देखो इनका एक कार्डबोर्ड के ऊपर है, कार्डबोर्ड के ऊपर बना के लगाया हुआ है। सो इंटरेस्टिंग था। सो अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, ये है पूरा सिटी व्यू उदयपुर। यहाँ से कई ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ से हो गया और वो सामने वाला देख रहे हो वहाँ से हो गया। सो मल्टीपल प्लेसेस से आप सिटी व्यू देख सकते हो पूरा। और सो प्लेस बहुत प्यारी है। तो ये जो प्लेस है ये है सुख निवास, सूर्य चौपाल, सूर्य चौपाल सुख निवास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के सुख ले सकते हैं आप, आराम से यहाँ बैठो, रिलैक्स करो और सुख लो। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो जगह है ना, ये जगह कुछ खास है,
यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये कुछ खास है। मैं आया नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये बताएंगे क्यों यहाँ पे ईशा अंबानी जी की मेहंदी की जो रस्म थी वो यहाँ पे हुई थी। तो पूरे चार दिन के लिए उसके बाद ताज और राजविलास ये सब जो भी मोमेंट्स है वो चार दिन के लिए रिजर्व किए थे। नो टूरिस्ट अलाउड नहीं थे यहाँ पे। करीबन 700 तो न्यूज़पेपर के हिसाब से 700-800 करोड़ का पूरा खर्चा हुआ था। तो ये जगह पे नीता अंबानी की शादी हुई थी, मेहंदी की रस्म यहाँ हुई थी। तो चार दिन के लिए ये रेंट के ऊपर था और मुझे बुलाया था बट मैं आया नहीं था। जोक से पार्ट, चलो चलते हैं। तो बेसिकली देखें ना, तो ये जो था अपना, अगर मैं चाहूँ ना कि उदयपुर को पूरा एक ही वीडियो में कैप्चर कर लूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा ये अपना सिटी पैलेस। अभी यहाँ से हम जो अगली लोकेशन में जाएंगे वहाँ पे मैं नई वीडियो शुरू करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से देखने के लिए तो आप अलग अलग वीडियो में देखना, मज़ा आएगा। ये राजा थे, राजा हैं जिनके करंटली जो अभी हैं, ये तब की फोटोग्राफ्स है। तो और ये जहाँ पे रहते हैं वो जगह है ये सामने जो आप देख रहे हो, ये राजा का महल है अभी जहाँ रहते हैं वो, उदयपुर के जो राजा हैं मेवाड़ के। सो ये उनकी अभी की करंट फैमिली है। हैव अ लुक। तो ये एक प्लेस है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये वर्क स्पेस है। यहाँ पे ना इन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ये जैसे डिज़ाइन है। तो आप चाहो तो इन पेपर्स पे यहाँ पे बैठ के इन पेपर्स पे बना के आप अपने साथ ले जा सकते हो। सो मुझे ये इन्होंने बताया, मेरे टूरिस्ट गाइड को नहीं पता था ये। सो इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अगर आप में से किसी की अच्छी हो, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आके ये डिज़ाइन बना के आप ले जा सकते हो अपने साथ। तो आप कह सकते हो कि ये मैंने बनाया है। दाल बाटी खा के देखते हैं। ये है दाल, ये है बाटी हो रही है। और अमूल शायद स्पॉन्सर कर रहा है इनको। और यहाँ पे ये है चूरमा, स्वीट डिश रहती है ये, चटनी का अचार और प्याज। सो फटाफट से खाते हैं, फिर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। सो हमें इतनी स्वाद लगी कि एक और प्लेट ले ली। बहुत स्वाद है, मसालेदार है, पंजाबी स्टाइल की दाल है, पंजाबियों की भी ऐसी है। वर्थ इट है, वर्थ इट है। 150 रुपीज़ की है, टेस्टी है। और पूरा ये देखोगे पूरा घी से बना, देसी घी में, देसी घी में भरा हुआ है। तो अभी जो राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये जो है ना, ये राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये पास से आप देख सकते हो, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो सा गेट है, यहाँ से एंट्री हो जाती है, लेकिन ये एक और गेट है, यहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ जाना है तो उसके लिए आपको राजा के रिश्तेदार बनना पड़ेगा, राजा के रिश्तेदार बनना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अभी फटाफट से आगे। सो ये पूरा पाथ था अपना सिटी पैलेस। और ये जो है, ये लेक है, वो ओबराय होटल है। ओबराय है ना वो वाला, ओके। ये सामने जो है वो है ताज होटल। तो वहाँ पे अगर आपको स्टे करना है तो अच्छा खासा चार्जेस है, 40,000 पर नाइट ताज का प्राइस। ज़्यादा नहीं है, सस्ता ही है, कोई दिक्कत नहीं। सो अब यार एक ना आपने झूठ बोला मुझे। क्या बोला? इन्होंने मुझे बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है, कभी मुझे लगा कि ये शायद टूरिस्ट गाइड है, फिर मुझे लगा कि ये शायद फोटोग्राफर है। तो फोटोज क्लिक करिए बहुत जबरदस्त, तो हो सकता है कि बट ऐसा भी इनका इन्फ्लुएंस है, तो मैं उनके जैसे ही सोलो ट्रैवलर। हाँ, ये महाराष्ट्र से सोलो आए हैं, बाइक पे नहीं है बट अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। जल्दी यकीन करता हूँ कि दिल्ली वाले मुझे दिल्ली में जरूर बुलाएंगे। अरे आज अभी चल लो यहाँ से, एक काम करो, दिल्ली यहाँ वहाँ छोड़ो, वहाँ यहाँ से दिल्ली चलते। सामान मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बैग आ जाएगा आपका, आप भी आ जाओगे आराम से।
सो अभी यहाँ से हम ख़त्म करते हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं होटल, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के और हमने अगली लोकेशन जो सी है, अगली कहाँ की लोकेशन है? अगली हम यहाँ से अभी बोट राइड करेंगे। ओके हाँ, तो 20 मिनट का बोट राइड रहता है, बट थोड़ा बोट में सब नज़दीक से दिखा देंगे हमें, फिर वहाँ से हम बाहुबली या भैया बड़ी लेक में जाएंगे। हाँ, फिर वहाँ से हम सहेली की बाड़ी, फिर शिल्पग्राम और फतेह सागर और लास्ट। अभी सब कुछ नहीं बताते, तो बहुत कुछ है अभी। एक काम करते हैं, यहाँ की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे ही अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं हम। तो आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अच्छे से, बाकी बढ़िया से एंजॉय करो। अभी सामने का एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके एंड करूँगा। चलो आओ। सो अभी एक और चीज़ बता दूँ, अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से फ्री होके ये जगह पे, ये कहाँ गया, ये वाली जगह, मेरी फिंगर ब्लर हो रही है। सो ये वाली जगह जो ऊपर आपको दिख रही है, ये वो है बेसिकली, वो है सज्जनगढ़, उदयपुर की सबसे टॉप, सबसे ऊंची जो जगह है, 938 मीटर्स पे, उदयपुर की सबसे हाईएस्ट प्लेस है सज्जनगढ़। और अब वहाँ पे चलते हैं। और जो आप सामने देख रहे हो, हाँ, येलो कलर के, हाँ, वो है ओबेरॉन होटल। अच्छा, जो है जमाने दीवाने में यूज किए गए। ठीक है। तो चलो चलते हैं, आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो मर्जी करो, एंजॉय करो। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज कुप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।